कि मैंने किस तरीके से ये एबी के टॉयज बनाए हैं। पुराने देख देख के वो भी बोर हो गई थी, मैं भी बोर हो गई थी, दुकानें खुली हुई नहीं थी, हम बाहर जा नहीं सकते थे, तो ये एक तरीका था हमारे पास। तो आई एम श्योर आप ये वीडियो इन्जॉय करेंगे, बच्चों को भी दिखाइए। और वेलकम टू आवर चैनल, इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एवरीवन, कैसे हैं आप, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, अक्सर सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी बच्चों ने बहुत परेशान कर दिया है, छुट्टियां हैं और हम क्या करें, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, सारा दिन एक ही रूटीन से बच्चे बोर हो जाते हैं। तो मेरी तो बच्ची अभी बहुत छोटी है, शी इज़ 2.5 ईयर ओल्ड। तो हमने अक्सर स्कूल में जो है वो हैंडक्राफ्ट वर्क बहुत ज़्यादा किया होगा, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने। तो बच्चों को जो है ना सही इंगेज करने का तरीका जो है वो मैं, बहुत सारे तरीके हैं जो मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के कर रही होती हूँ आजकल, वो है ये इस तरह के टॉयज़ जो हैं, हैंडमेड टॉयज़। पुराने टॉयज़ देख देख के भी बच्चे जो हैं वो बोर हो जाते हैं, तो क्यों नहीं कुछ क्रिएटिविटी लाई जाए। और ये मैं आपको तरीका बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से ये बैठ के बनाया। और एबी ने जब जब मैंने बनाया है उसने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया है, वो बैठ के उसने देखा है मुझे, बहुत इन्जॉय किया है। और अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो वो ख़ुद ये बना सकते हैं, आप अगर ख़ुद बैठ के बनाएंगे ना उनके साथ, तो आई एम श्योर कि वो आपको ना ही परेशान करेंगे ना ही आपको तंग करेंगे। आप एक दफ़ा उनके साथ ये बैठ के बना लें तो फिर वो देखिएगा कि खुद ही बैठ के तो इस तरह से क्रिएटिव वर्क कर रहे होंगे। किसी भी चीज़ में इंगेज कर लें उन्हें, पेंटिंग में कर लें, हैंडक्राफ्ट वर्क में कर लें, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों को इंगेज रखने के लिए, बशर्त ये कि आप उनके साथ खुद बैठ के टाइम स्पेंड करें, खुद बनाएं तो वो बनाएंगे। तो एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरा इस वीडियो में कि मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से ये एबी के टॉयज़ बनाए हैं। पुराने देख देख के वो भी बोर हो गई थी, मैं भी बोर हो गई थी, दुकानें खुली हुई नहीं थी, हम बाहर जा नहीं सकते थे, तो ये एक तरीका था हमारे पास। तो आई एम श्योर आप ये वीडियो इन्जॉय करेंगे, बच्चों को भी दिखाइए और ख़ुद ट्राई कीजिए इसको बनाने का। जी इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो चाहिए कि आपको कोई भी आप ले लेंगे, सॉक्स था जो पुराने यूज़ में नहीं होते, आपके पुराने हो जाते हैं, आपको लगता है कि कलर फेड हो रहा है, तो इस ये सॉक्स ले लें। बट मेक श्योर कि ये अच्छे से वॉश्ड हो, क्योंकि बच्चों के लिए यूज़ होना है तो इसको अच्छे से वॉश करके, और ऐसा नहीं हो कि फटा पुराना आपने ले लेना, ठीक है, इतना ऐसा हो कि जो कलर भी ना फेड हो, और अगर कलर फेड भी हो तो उसके लिए उसके ऊपर आप कोई और कवर भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉक्स ले लें, व्हाट यू नीड इज सीजर एंड फ्यू थिंग्स जो कि हम लेते हैं, रिबन, इस तरह से रिबन ले लें आप, और आपको ये चाहिए निडल, धागा, सुई, ठीक है, कुछ बटन्स हैं, अगर पुराने आपकी शर्ट्स के बटन्स रखे हों वो यूज़ में नहीं हो रही शर्ट्स, तो वो बटन ज़ाया नहीं करें, वो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं टॉयज़ बनाने के लिए, जैसे कि मैंने किए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसके लिए आपको चाहिए होगा कि पुराने जो कुशन्स होते हैं आपके पुराने हो जाते हैं, उनमें से आप जो फॉर्म है या वो जो भी उसके अंदर कॉटन होता है, जो फॉर्म होता है, वो यूज़ कर सकते हैं आप इसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि किस तरह से मैंने ये स्टफ़ टॉयज एबी के लिए बनाए। Thank you.
हेलो एवरीवन, आज ऑफिस से आया तो पता चला कि कोई हैंडीवर्क हुआ है। देखा तो पता चला बहुत छोटे छोटे से स्नोमैन बने हुए थे। तो वेल डन, गुड जॉब। मुझे ये नहीं पता था कि आपको ये वाला भी गुण है आप में, हैंडीवर्क वाला। लग रहा था कि स्कूल या कॉलेज के अंदर बड़ी कशीदाकारी की है। तो दैट वाज फन, आई एम श्योर फॉर हर। एंड जब आप ये करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर के यू विल एंजॉय इट। और बच्चों को एंगेज रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आप उनसे कुछ ना कुछ करवाते रहें, करके ना दें, करवाएं। ज़्यादा छोटे बच्चे हों तो आप उनको साथ में बिठा लें ताकि वो उसको देख देख के एंजॉय करें और वो खुद ब खुद सीखते रहेंगे। तो बड़े बच्चे तो अच्छा, वो आपके साथ पार्टिसिपेट जब करते हैं तो वो और ज़्यादा फन हो जाता है। बिल्कुल। और बड़े बच्चे हों तो आप उनसे करवाएं, जितना वो अपने हाथों से काम करना सीखेंगे उतना उनका माइंड खुलता है, उतनी क्रिएटिविटी आती है। तो हमने एक कोशिश ये करनी है कि आज तक हमारी जनरेशन, हमसे अगली जनरेशन और उससे पिछली जनरेशन, ये सारे रट्टू तोते निकले। क्यों? क्योंकि किताबें जो हैं वो रट्टा मार लिया और एग्ज़ाम दे आए। क्रिएटिव बच्चों को बनाएं, जितना उनका दिमाग खोलेंगे वो उतने क्रिएटिव होंगे, उतना दिमाग को यूटिलाइज करेंगे। सिर्फ रटना ही नहीं होता। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कीजिए बच्चों के साथ, इंगेज रहिए, इन्जॉय कीजिए और बच्चों के साथ मज़े करें, क्योंकि बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ मज़े करने में। तो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय। गुड बाय।